पर शामली के थाना झिझाना क्षेत्र के चौसाना के सुंदर नगर में डकैती के मामले में फरार चल रहा 50,000 रुपए के इनामी बदमाश सोनू को पुलिस मुठभेड़ में पकड़ लिया गया। मुठभेड़ में सोनू के पैर में गोली लगने से वह लंगड़ा हो गया व एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। बदमाश सोनू पर पहले से ही आधा दर्जन डकैती के मामले दर्ज है व सभी मामलों में फरार चल रहा था। मौके पर एडिशनल SP संतोष कुमार, CO कैराना, अमरदीप गोरिया झिझाना थाना प्रभारी, धर्मेंद्र सिंह चौकी प्रभारी चौसाना एवं फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद थी। वही बदमाश को यमुना नदी के बाद पर भिंडी मुस्ताबाद के बीच गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। प्राइमरी की न्यूज चैनल के लिए राजवीर चौधरी के साथ अकबर राणा की खास रिपोर्ट। सर क्या मामला है यहाँ पर? ये 9/10 ये सुंदर नगर है चौसाना क्षेत्र में थाना झिझाना में एक डकैती पड़ी थी जिसका पुलिस ने तत्समय खुलासा किया था। उसमें कुल 5 अभियुक्त थे जिसमें 4 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक अंतिम अभियुक्त था जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था। आज ये पुलिस टीम को एक जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो मुसाबाद का जंगल है इधर वो अभियुक्त आने वाला है। उसी के क्रम में पुलिस अपनी नाकाबंदी की हुई थी तो जानकारी प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल सवार इस पर आ रहा है। उसको रोकने का पुलिस के द्वारा प्रयास किया गया तो उसने जो है पुलिस के ऊपर गोली चलाई जिसमें एक हमारा कांस्टेबल घायल हुआ है और इसको भी गोली लगी है। इसको पूर्ण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बाकी विवेचना प्रचलित है। सर इस पर कोई पहले भी मुकदमे हैं? हाँ, इनके ऊपर जो जानकारी है कम से कम आधा दर्जन के आसपास मुकदमे हैं। कुछ ऐसे मुकदमे हैं जिसमें इसने ना अपना नाम बदल दिया था, अपने पिताजी का नाम बदल दिया था। अब वो सारी जाँचें हम लोगों की हो रही हैं। फिलहाल इसको जिला अस्पताल भेजा गया है। ठीक है सर।